प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, चरणी की ओर हमारे यात्रा में आज हमारे मनन चिंतन के लिए उपयुक्त शब्द है बेतलहम, यूदा का वह नगरी जहां बालक यीशु का जन्म हुआ। बेतलहम इब्रानी भाषा में इसका अर्थ है हाउस ऑफ ब्रेड, यानी रोटी का घर। सारे संसार के लिए रोटी का रूप धारण किए प्रभु ईसा का जन्म गृह बने इस नगरी का नाम भी महत्वपूर्ण है, रोटी का घर। यदि कुछ गहराई से गौर करें तो मनुष्य जीवन के अपरिहार्य तत्वों में तीन है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें सर्वप्रथम रोटी ही है। मनुष्य सहज ही बिना कपड़ा और मकान से जीवित रह सकते हैं, लेकिन रोटी के सिवा जीवित रहना असंभव सिद्ध होता है। शायद इसलिए ही सर्वचराचरों के सृष्टिकर्ता ने स्वयं रोटी बनकर संसार के अंत तक हमारे साथ रहना चाहा और स्वयं बेतलहम रोटी खाकर को अपना जन्म स्थान बनाया। योहन के सुसमाचार में अध्याय 6:35 और 48 वाक्यों में हम सुनते हैं, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवन की रोटी मैं हूँ, जो यह रोटी खाएगा वह कभी नहीं मरेगा। मनुष्य के जीवन के असंख्य फूकों को मिटाने, यहाँ तक उनके आध्यात्मिक फूक को भी तृप्त करने वह एक छोटी सी रोटी में समावेशित होकर हमें शाश्वत जीवन प्रदान कर रहे हैं। हम भी रोटी के समान दूसरों के लिए अपने आप को विभक्त करें। हमारे ताकत, समय और प्रतिभा दूसरों के लिए व्यय करें ताकि उन्हें जीवन मिले, जीने का साहस मिले। रोटी का घर में रोटी का रूप धारण करने वाले यीशु को हम अपने हृदय में स्वीकार करें।